साथ रब जी लाइव देख रहे हैं आप। अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद की नजदीकी से मायावती की मुश्किलें बढ़ी। जी हाँ, आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए अखिलेश यादव खुद के कुंभे को मजबूत करने के लिए दनादन फैसला ले रहे हैं। एक तरफ शिवपाल यादव वापस अखिलेश यादव के साथ जुड़ गए हैं तो दूसरी तरफ बसपा के कई बड़े नेता समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। इन सबके बीच उत्तर प्रदेश के बड़े दलित नेता चंद्रशेखर आजाद भी अखिलेश यादव के करीब आते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से मायावती की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि यूपी की सियासत में मायावती के विकल्प बनने के लिए दलित नेता चंद्रशेखर आजाद लगातार कोशिश कर रहे हैं। वहीं अब 2024 के चुनाव से पहले चंद्रशेखर की सपा के साथ नजदीकियां बढ़ने लगी हैं। गौरतलब है कि खतौली उपचुनाव में चंद्रशेखर ने रालोद और सपा गठबंधन के प्रत्याशी के विपक्ष में प्रचार किया था, तो रामपुर लोकसभा चुनाव में उन्होंने आजम खान और अखिलेश यादव के साथ मंच शेयर किया था। इसके साथ ही आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी ने भी चंद्रशेखर को सपा गठबंधन में शामिल होने पर मुहर भी लगा दी थी। देखें तो चंद्रशेखर की सपा गठबंधन में हो रही एंट्री से मायावती बेचैन है, क्योंकि दलितों का एक बड़ा तबका उनके साथ जा सकता है। वैसे भी दलितों के बीच चंद्रशेखर की अच्छी पकड़ है। हालांकि दलित समुदाय का ये कहना है, जी हाँ, दलित समुदाय का ये कहना था कि लोगों के हित में चंद्रशेखर और मायावती के बीच में गठबंधन होना चाहिए, लेकिन बसपा सुप्रीमो फिलहाल कोई भी गठबंधन करने के पक्ष में नजर नहीं आ रही है। ऐसे में अब भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में खुद को स्थापित करने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर नई राजनीतिक पारी शुरुआत करने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अगर चंद्रशेखर आजाद सपा गठबंधन में शामिल होकर चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर उसका सियासी नुकसान बसपा को ही होगा, और इसका एहसास मायावती को अभी से है। इस तरह लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने जिस तरह से चंद्रशेखर के साथ नजदीकियां बढ़ाया है तो उससे उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म हो गई। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन होता है, और अगर होता है तो फिर इससे बसपा को कितना और क्या नुकसान होता है। खैर, ये रिपोर्ट यहीं तक थी। इस तरह रिपोर्ट के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।